तो आज बनारस का मेरा आखिरी दिन है और 4 बजे की ट्रेन है। हम जहाँ खड़े हैं ये मेरा रूम हुआ करता था, मतलब अभी भी है पर अब दूसरे लोग रहते हैं। ये पूरा यहाँ से वहाँ तक वरांडा, यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत यादें हैं, बहुत अच्छी यादें हैं प्यारी। और यहाँ से जब झाँको तो हमें अपनी विदाई रुखसती याद आती है। यहाँ का एक रस्म है कि जब विदाई के टाइम ससुराल से वो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गोद भराई वाल का मेवा होता है बहुत सारा। तो सोचो हमारी लखनऊ से बनारस आए और पूरी 4-5 किलो तो मेवा रहा होगा, बहुत बड़ा एक बंडल था, पोटली गठरी टाइप रेड कपड़े में, और लखनऊ से बनारस मतलब यहाँ तक लाए। इतना रश था। जब उतरे तो किसी को थमाया गया होगा, दिया गया होगा कि अंदर ले चलो, तो सब आज भी हंसते हैं कि आशी के गोद भराई का मेवा गायब हो गया, क्योंकि वो बाद में पूरे हर तरफ खानदान में हर जगह बांटा जाता है गोद भराई का जो मेवा होता है। बहुत सारी यादें, बहुत खूबसूरत यादें हैं, मतलब जब भी यहाँ से जाते हैं एकदम इमोशनल, बहुत रोना धोना वाला होता है। अभी तो आपा क्या जा रहे हैं कॉलोनी, और विदाई के टाइम की बात अगर करें तो मेरे पीछे फराज माशाल्लाह 3 बच्चों के बाप हैं, और उस टाइम मेरी गोदी में आए थे बैठकर। और ये है चची, ये देख रही है कि हम कर क्या रहे हैं। क्या हुआ चची? तो बड़ी भाभी पीछे बैठी हुई थी, हम थे और आगे ये थे, और बड़े अच्छे अच्छे पुराने रोमांटिक सॉन्ग जो होते हैं वो प्ले करते हुए आए। बाद में बताया था बहुत सालों बाद, अरे वो रुखसती के लिए हमने, मतलब क्योंकि बहुत लंबा रन है, 8-9-10 घंटे लगे, एक तो बारात और ऊपर से फिर कार वगैरह से आना, तो हमने वो कैसेट पहले चलते थे तो कैसेट भरवा के रखे थे। ऐसी बहुत सारी यादें, बहुत खूबसूरत यादें हैं माशाल्लाह। नहीं, मैं कह रही हूँ कि इतने ऐसे ठंडे बन के आ रहे हो, वीडियो में भी ठंडे ही आओगे। खा लो। हाँ भाभी, कर रहे नाश्ता। अम्मा बाथरूम में आ रही। सुबह उठा, मेथी का पानी पिया, मेथी खाया, हमसे कहा चाय पी लो, हमने चाय नहीं पिए, बहुत चाय हो गई है, कहीं ग्रीन टी पी लो, वो पीते हैं, ग्रीन टी पीता है। चलिए जा रहे भाभी, ठीक है, आते हैं। अल्लाह हाफिज बेटा। चलिए अभी हम लोग दोनों फिर से तैयार हो गए, सीढ़ियाँ अलग हैं लेकिन साथ में दोनों हैं। और क्यों जी, आप तैयार हैं साथ में घूमने को? हमने कहा सेम चीज़ यहाँ पर भी करनी चाहिए, वहाँ तो करते ही हैं। हम दोनों एक बार फिर से रेडी हैं जाने को, चलिए चलते हैं। कर रहे हैं इंतजार, आ जाए गाड़ी लेके, और देखिए आ गए, आ रहे। बनारस अपनी गलियों के लिए मशहूर है, मतलब बहुत पतली गलियां हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत पुराना है, सबसे कहा जाता है प्राचीन शहर। तो बस उन्हीं गलियों से जा रहे हैं, फिलहाल हम बड़ी बाजार में हैं अभी। किया? अच्छा ठीक है, वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। पहुंच गए कॉलोनी, अब जा रहे हैं भाभी से मिलने, आ जाइए। सब पुरानी यादें, पुरानी चीजें। चलिए नॉक करिए, नॉक नहीं, सीधे अंदर। बस अब हम लोग के जाने का टाइम है, और यहाँ फराज का ही रूम है,
छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास, यूसुफ, अबू और मर्जिया। हम लोग जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अबू अल्लाह हाफिज। अबू ना, अच्छा चलो जी, इन लोगों के टॉय देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इधर भाई बाल सही कह रहे हैं अपना। हाँ, आज जी भाई खा लिया है, खाना फेंक हुआ है। ओ भाई। जा रहे भाई, ठीक है, इंशाल्लाह। बस बस आप लोग की दुआएं चाहिए, और क्या चाहिए। नहीं नहीं तो अभी बहुत अच्छे लग रहे भाई आप। नहीं, बहुत अच्छे लग रहे भाई। तो बताइए भाई कब आ रही हैं? बस जल्दी आएंगे। वो गाय देखा, वो गाय भूल जाइए, जल्दी आएंगे ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये छोटे भाई हैं हम लोगों के, ये छोटी भाभी हैं, और ये अलविना है, ये पीछे। हाँ, और हफीज भाई हैं। हफीज भाई के साथ बहुत अच्छी मेरी वो है, जो हम लोग कार हम लोग को लेकर आए और कार का दरवाजा खोलने गए और इनको सांडने पूरी कार से उठा के वो डिग्गी पे फेंका था। हम लोग अंदर पूरा तमाशा देख रहे थे। बहुत पहुंच गए हैं बनारस का रेलवे स्टेशन। क्या वो बॉटल ही है? ये वाटर बॉटल लेने गए थे। बस बनारस का सफर आज खत्म हो रहा है, नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलेंगे बनारस। बाय बाय बनारस। हाँ कोई बात नहीं, हम पी लेंगे, अब इतने प्यार से लाए तो पी लेंगे। अब इतने प्यार से लाए हैं, थकी हो चाय या जो भी हो, आपने तो बनाई नहीं है, हम पी लेंगे। वैसे थैंक यू। ये है बनारस स्टेशन की अभी की लास्ट चाय, जल्दी आएंगे इंशाल्लाह बनारस। गलत स्टेशन पे आ गए थे, मतलब दो पर आ गए थे, दो तीन पर, अब वापस जा रहे हैं 9 नंबर पर। पता चला है ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आएगी। एक घंटा हो गया है वेट करते हुए, मतलब ट्रेन जो है वो लेट है एक घंटा, और रश देखिए कितना ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त सा रश हो रहा है। बाय बाय बनारस, फिर आएंगे जल्दी इंशाल्लाह। तो बस अभी जस्ट ट्रेन जो है चली है, मतलब एक घंटा लेट ट्रेन चल रही है, एक घंटा लेट आई है, अब पता नहीं क्या बजे पहुंचेगी। बाय बाय बनारस, फिर वाराणसी, फिर मिलेंगे जल्दी इंशाल्लाह। क्या चाहिए? लीजिए खाइए, केक खाइए। बस अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, 5 बजे गाड़ी आई है, ट्रेन आई है, मतलब मोबाइल एक इनका चार्जिंग पे यहाँ पे लगा दिया है। सबसे अच्छा यही होता है कि जब पूरी बेडिंग वगैरह मिलती है, मतलब तकिया, बेड शीट्स और कंबल सब मिल गया है, ओढ़ के आराम से 1-2 घंटे जो भी आँख खुलेगी तब तक तो सोएंगे। ट्रेन चल रही है क्योंकि 11 बजे पहुंचने की है इसकी टाइमिंग, अब 1 घंटा लेट आई, अब पता नहीं कब पहुंचेगी। चलिए मिलते हैं। बहुत अंधेरा है सीट के अंदर और रात हो गई है, हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। कहाँ हैं आप? और ये रहा बाकी सब निकालें, चलिए खाना खा लें और उसके बाद आपसे मिलते हैं। रुक जाइए, यहाँ बना उतरेंगे। पहुँच गए हैं लखनऊ अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ से 1 घंटा लेट चली और यहाँ पहुँची है 2 घंटे लेट।
बस पहुंच गए हैं स्टेशन की लिफ्ट में है, अब घर की तरफ जाएंगे। टाइम से ही पहुंच गए और लेट इसलिए नहीं खलता है कि वो बेडिंग मिलती है कि आराम से सो गए। बस उठे तो लखनऊ आ गया। चलिए ऑटो करेंगे और निकलेंगे अब। तो लखनऊ पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऑटो करेंगे घर जाएंगे। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमको अपनी दुआओं में याद रखिए, और मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमने सोचा आज चारबाग से एंडिंग देते हैं। चलिए मिलते हैं। बबल बबल बबल, हाँ हम आ गए, हम आ गए भैया। हाँ हाँ बुला भैया, भैया आ जाओ। घर पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बबल और रमशा लेने आई हैं, देखा आपने। हाँ भैया, हाँ भैया, घर आ गए हैं। बहुत सारा सामान देखिए मिल गया हमको। आपका नहीं, मेरा नहीं। ये हमजा का कुर्ता सिल गया है और रमशा का दिखा रहे हैं। क्या लिखा है? हम नहीं पढ़ेंगे। ये लो हमजा अपना, देखिए पढ़िए, अच्छी लग रही है। पहले पढ़िए ना। एक सेकंड रमशा, क्या लिखा है बताइए। लिखा है मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी है, कलरफुल भी है ना। हाँ कलर बहुत अच्छी है। सनत कदास यही लिए? हाँ अच्छी लग रही है। ये अंदाजा काम आ रहा है, वही लिखा है मेरे पिया गए रंगून। तो क्या हो गया? लिखा है मेरे पिया गए रंगून, सच में ये मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन। अब पढ़िए क्या लिखा है, पहला वर्ड क्या है? किया है, किया है वहाँ से टेलीफोन। क्या बोला था? मेरे पिया गए रंगून। गाना गा रही मेरे पिया गए रंगून है, ठीक है, लेकिन ये शुरू है जो किया है वहाँ से। क्या बोली? ये बोली है कि वहां से किया, अंदाजा बना दिया। वही अंदाजे से दूसरी जगह। तो क्या हो गया? खूब बनाती हैं आप हम लोग को। अरे नहीं लो अलैना सीटियां बजा रही है। सुनो तो भाई, भाई सुन ही नहीं रहे हो, खुद पढ़ नहीं पाई तो बहुत अच्छी चीज लेके बजाओ। काओ काओ भैया 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 भैया, ये देखिए आए हैं, गोदी में आ गई और आ गई है मेरी चाय, इन लोगों ने बना कर दी है। भैया चलो पी ले चाय। हाँ घर पहुंचे तो चाय तो ज़रूरी है ही है। बच्चे लोग अपनी सब तैयारी कर रहे हैं, और बनारस वालों के लिए ईच एंड एवरी वन थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, सबसे मिलकर बहुत मज़ा आया। चार साल के बाद गए हैं, और लेकिन लग नहीं रहा था, जब पहुंचो सही वही सारी पुरानी यादें, बहुत खूबसूरत सारी यादें, गोल्डन मेमोरीज एकदम ताज़ा हो गई। अच्छा लग रहा है, बस आते आते जब लौटो तो आंखें भीग जाती हैं। मतलब आज भी मतलब रोना आ जाता है। तो उस पर अलवीना बोली भी कि ये पहली बहू है जो ससुराल से जाते वक्त रो रही है। बहुत हाँ फीलिंग्स हैं, पहली बार वहाँ शादी करके गए तो चीज़ें हैं। अच्छा सब कुछ बहुत अच्छा था, मतलब ये ट्रिप बहुत अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह।